हेलो मॉमीज, वेलकम टू माय चैनल मॉम लाइफ। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम 6 से 12 महीने की अगर एज ग्रुप के हमारे बच्चे हैं, बेबीज़ हैं, तो हम उनका वज़न किस तरह से बढ़ाएं। अक्सर मॉमीज इस चीज़ को लेकर प्रॉब्लम में रहती है, परेशान रहती है कि हमारे बच्चे का वज़न नहीं बढ़ रहा है, बच्चा ठीक से खा नहीं रहा है, बच्चा खाना नहीं खाता है, बच्चा अच्छे से दूध नहीं पीता है, हमारा बेबी कमज़ोर हो गया है, वीक लग रहा है। तो इन सब चीज़ों को लेकर मॉमीज़ बहुत परेशान रहती हैं। तो हमें इन चीज़ों को लेकर ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इसका हमें सॉल्यूशन ढूंढना है कि हमें अपने बच्चे के लिए क्या करना है, क्या नहीं करना है। पर सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि हमें कभी भी कंपैरिजन नहीं करना है, किसी की बातों में नहीं आना है। हमारे जो नेबर्स होते हैं या कोई भी फैमिली मेम्बर्स हो गया, रिलेटिव हो गया, उनका बच्चा हेल्दी है, मोटा है, चबी है, तो वो लोग बोलते नहीं आपका बच्चा तो पतला लग रहा है, कंपैरिजन का थॉट आ जाता, तो वो नहीं लाना चाहिए। आपका बच्चा मोटा हो ये ज़रूरी नहीं कि खूब मोटा ताजा हो, आपका बच्चा हेल्दी होना चाहिए। बच्चा हेल्दी कैसे होगा? बच्चा हेल्दी तब होगा जब हम उसकी डाइट हेल्दी रखेंगे। हमें कभी भी ये टारगेट सेट नहीं करना है कि मुझे बेबी को मोटा करना है या चबी करना है, हमें ये टारगेट सेट करना है कि मुझे मेरे बेबी को हेल्दी बनाना है, उसकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करना है। जब हम ये टारगेट, ये गोल सेट कर लेंगे तो डेफिनेटली हमारा बेबी हेल्दी भी होगा, उसकी इम्यूनिटी भी स्ट्रांग होगी, और अगर वो प्रॉपरली डाइट लेगा तो उसका वेट भी गेन होगा। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि हम 6 से 12 महीने के बच्चों को क्या चीज़ें खिलाएं, उनकी डाइट में क्या चीज़ें शामिल करें, और क्या ऐसे स्पेशल फूड हैं जिनको हम अगर बेबी की डाइट में देंगे तो बच्चे का वेट ज़रूर बढ़ेगा, इन चीज़ों को देने से बच्चे का वज़न ज़रूर बढ़ेगा। तो वो चीज़ें भी हम आपको बताएंगे कि क्या क्या चीज़ें आप बच्चे की डाइट में शामिल करें जिससे आपके बच्चे का वज़न ज़रूर बढ़े। 6 से 12 महीने के बच्चे के लिए हमें एक डाइट चार्ट सेट करना चाहिए, क्योंकि 6 मंथ का जब हमारा बेबी कंप्लीट हो जाता है तो हम उसका सॉलिड स्टार्ट कर देते हैं। 6 महीने से पहले हम बच्चे को सॉलिड नहीं देते, या तो फॉर्मूला मिल्क या ब्रेस्ट मिल्क पे रहते हैं, और फिर जब 6 महीने का बेबी कंप्लीट हो जाता है तब हम उसको सॉलिड पे स्विच करते हैं, बट हम उसको काउ मिल्क नहीं इंट्रोड्यूस करते, फॉर्मूला मिल्क या ब्रेस्ट फीड देते हैं। तो आपको एक साल, मतलब 6 से 12 महीने के बच्चों को काउ मिल्क नहीं इंट्रोड्यूस करना है। जब आपका बच्चा एक साल का हो जाए तभी आपको उसको काउ मिल्क देना है, क्योंकि काउ मिल्क से बच्चों को इन्फेक्शन, स्टमक इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है। हमारे डॉक्टर्स बिल्कुल एडवाइस नहीं करते, या तो आप ब्रेस्ट फीड दीजिए या आप उसको फॉर्मूला मिल्क दीजिए। अब हम सॉलिड डाइट की बात कर लेते हैं। तो सॉलिड डाइट में हमको बेबी को 2 सॉलिड डाइट देनी है, लंच और डिनर हो गया, और एक ब्रेकफास्ट देना है। हम एक फ्रूट प्यूरी दे सकते हैं बेबी को, किसी भी तरह की फ्रूट प्यूरी बना के दे सकते हैं, और बाकी हम बेबी को मिल्क दे सकते हैं। तो हम बेबी को ब्रेकफास्ट में क्या दें? आप बेबी को ब्रेकफास्ट में रागी पोरेज बना के दे सकते हैं, सूजी की पोरेज बना के दे सकते हैं, ओट्स की पोरेज बना के दे सकते हैं। हम बेबी को होममेड सेरेलेक बना के दे सकते हैं। अब बेबी को हम लंच में क्या दें जिससे बच्चे का वज़न भी बढ़े और वो हेल्दी भी रहे? हम वेजिटेबल खिचड़ी बेबी को आप डेली बेबी की डाइट में शामिल करिए, इससे आपके बेबी का वज़न भी बहुत ही आसानी से बढ़ेगा। वेजिटेबल खिचड़ी को ऐड करने के बाद आपको खुद लगेगा कि आपके बच्चे का वज़न बढ़ रहा है, और इससे आपका बच्चा हेल्दी भी रहेगा। वेजिटेबल खिचड़ी हम किस तरह से बना सकते हैं? हमने मूंग की दाल और चावल लेना है आधा आधा चम्मच, और उसमें हम सारी तरह के वेजिटेबल जो भी हमारे घर में, लौकी, तोरी, आलू, ग्रीन पालक, जो भी हरी हरी सब्जियां हैं, मटर, जो भी हरी सब्जी है, बीन्स, ब्रोकली, सारी हरी सब्जी हम बच्चे की खिचड़ी में ऐड करें। इससे क्या होगा, बच्चों को जब हरी सब्जी देंगे तो सारे विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन बेबी की डाइट में जाएंगे, और वो वेजिटेबल खिचड़ी बच्चों के लिए बहुत ही हेल्दी रहती है। हम उसको बेबी के लंच में दे सकते हैं, क्योंकि राइस होता है तो डे टाइम में दे दे तो बेस्ट रहेगा। और जब खिचड़ी बन जाए तो हम उसमें घी ऐड करें, 1 स्पून घी ऐड कर दे और हींग ऐड कर दे। आपको एक साल से, अगर आपका छोटा बच्चा है, मैं उसी की बात करी, 6 महीने से 1 साल तक के बच्चों को, तो हम उतने बड़े बच्चों को नमक नहीं देते। आपको बिल्कुल भी नमक ऐड नहीं करना है, और नमक ना ही ऐड करें वो बहुत सही रहेगा, क्योंकि जो हमारे बच्चे होते हैं वो 6 मंथ तक कंप्लीट ब्रेस्ट फीड या फार्मूला फीड पे होते, तो उनको कोई भी नमकीन चीज़ का या मीठी चीज़ का टेस्ट अभी तक नहीं पता है। अगर हम उनको फीकी खिचड़ी भी देंगे तो वो कभी भी इसको, उनको इसी चीज़ की आदत पड़ जाएगी और वो इसको लेने से बिल्कुल मना नहीं करेंगे। तो आपको 1 साल से पहले नमक नहीं देना है, भले आप खिचड़ी बनाएं चाहे आप दलिया बनाएं।
अब आप क्या क्या चीज़ें दे सकते हैं वेट गेन के लिए। आप वेजिटेबल खिचड़ी मैंने बताया आप बनाइए, उसमें आप घी ज़रूर ऐड करें, घर का बना हुआ घी, गाय का घी हो या जो भी आप घर पे घी बनाते हैं। घर पे नहीं बना पा रहे तो बाहर का देसी घी आप एक चम्मच छोटे चम्मच से बेबी की खिचड़ी में ऐड करें, इससे आपको डेफिनेटली लगेगा कि आपके बच्चे का वज़न बढ़ रहा है। आप वेजिटेबल दलिया बनाइए, उसको उसमें सारे वेजिटेबल्स डालिए, आलू डालिए, उससे आपके बच्चे का वज़न ज़रूर बढ़ेगा। उसमें भी आप घी को ज़रूर ऐड करिए, घी में फैट होता है और फैट से बच्चे का वज़न बढ़ता है और घी बच्चों की बॉडी को मजबूत भी बनाता है। हम बच्चे को पोटैटो प्यूरी बना के दे सकते हैं, एक पोटैटो बॉईल कर ले और उसकी प्यूरी बनाकर बेबी को दे, तो पोटैटो प्यूरी देने से भी बच्चे का वज़न बढ़ेगा। हम पोटैटो प्यूरी डेली ना दे, अगर हम डेली देंगे तो हो सकता है कि बच्चे का वज़न ज़्यादा जल्दी से बढ़ने लगे, इसलिए हम फिक में 2 दिन या 3 दिन पोटैटो प्यूरी हम दे सकते हैं। स्वीट पोटैटो प्यूरी को हम बेबी की डाइट में शामिल करें, स्वीट पोटैटो भी बहुत सारे उसके हेल्थ बेनिफिट होते हैं और इसके साथ साथ ये वेट गेन के लिए भी बहुत ही अच्छा है। हम क्या कर सकते हैं, सूजी को घी में भून के रख लें और उसके साथ हम जब सूजी की खीर बनाएं बच्चे के लिए, तो हम सूजी को पानी के साथ बिल्कुल अच्छे से पका लें और उसमें ड्राई फ्रूट्स हो गए जैसे बादाम हो गई, काजू हो गया, 2-1 बादाम, 1 काजू, 1 छोटी सी अखरोट की गिरी, इन सबको हम क्रश करके उसमें डाल दें और ये सूजी की खीर हम बना लें पानी में, क्योंकि हम 1 साल तक के जो बच्चे हैं, 6 से 1 साल तक के बच्चे को, उसको हम काऊ मिल्क तो दे नहीं सकते, तो ये सूजी की खीर हम पानी में बना लें और फिर इसमें अलग से फॉर्मूला मिल्क ऐड करके बच्चों को प्यूरीड फॉर्म में आप ये बेबी की डाइट में शामिल करिए, इससे आपके बेबी का वज़न डेफिनेटली बढ़ेगा। आप बच्चों को पनीर दे सकते हैं, पनीर आप घर में बना लीजिए, वो पनीर के पीसेस आप बच्चे को, अगर 8 मंथ प्लस है तो आपका बच्चा आसानी से खा लेगा, तो आप 8 मंथ प्लस बेबी को पनीर के बाइट्स करके उसको धीरे धीरे इंट्रोड्यूस करना सिखाइए, इससे उस खाना भी सीखेगा और उसका वेट भी गेन होगा। आप अपने बेबी को बनाना शेक दीजिए, फ्रूट्स में बनाना वेट गेन के लिए बहुत ही अच्छा माना गया है, बहुत टाइम से कहा जाता है कि दूध और केला खाने से वज़न बढ़ता है, तो आप बेबी को फॉर्मूला मिल्क के साथ बनाना शेक बना के दे सकते हैं, उसकी रेसिपी मेरे चैनल पे है, मैं उसका लिंक आपको शेयर कर रही हूँ चैनल पे, आप वो जाकर रेसिपी देखिए, बनाना शेक विथ फॉर्मूला मिल्क, वो आप बेबी को दीजिए, वो आप बेबी को 6 महीने से बिल्कुल स्टार्ट कर दीजिए, डे टाइम में आप बच्चों को बनाना दीजिए विथ फॉर्मूला मिल्क, और अगर आपका बच्चा फॉर्मूला मिल्क नहीं है, ब्रेस्ट फीड पे है, तो आप उसको मेज्ड करके भी बनाना दे सकते हैं, आप बनाने की प्यूरी बना के दे सकते हैं, तो ये जो बनाना है बच्चों के वेट गेन के लिए बहुत ही हेल्दी ऑप्शन है ना। आप बच्चों को ऐसा नहीं कि सिर्फ वेट गेन करना है तो सिर्फ बनाना प्यूरी दें, ऐसा कुछ भी फिर हम बच्चे को हर तरह के फ्रूट दें। अगर आपको लग रहा है कि कोल्ड है, बच्चों को सर्दी हो जाएगी, तो आप बनाना की जगह आप अपने बेबी को डेली रूटीन में कोई सा भी एक फ्रूट हो गया, जैसे एप्पल की एप्पल प्यूरी दे सकते हैं, एप्पल कीवी प्यूरी दे सकते हैं। अगर आपको इनकी रेसिपी देखनी, तो ये सारी रेसिपीज मेरे चैनल पर डली भी हैं। एप्पल प्यूरी आप बच्चों को बना के दीजिए, उसकी भी रेसिपी आप मेरे चैनल पर जाके दीजिए। एप्पल कीवी प्यूरी का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा होता है, ये बच्चे को हेल्दी रखता है और इसके साथ साथ बच्चे का वज़न भी बढ़ता है। आप एप्पल कीवी की प्यूरी बच्चों के लिए बहुत ही हेल्दी ऑप्शन है, और एप्पल में विटामिन सी होता है, फाइबर होता है, और जो कीवी होती है वो रिच इन विटामिन सी होती है, डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए अच्छी होती है, बच्चों का डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती है, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करती है, बच्चों को कीवी देने से बारी बारी फीवर नहीं होता, तो आप एप्पल और कीवी प्यूरी भी बेबी को दीजिए बनाना प्यूरी के साथ साथ, तो इससे आके बच्चों को सारी चीज़ें मिलती रहेंगी और बच्चा हेल्दी होगा और उसका वेट गेन भी होगा। आप बच्चों को होममेड बटर बना के दे सकते हैं, आप घर में ही ताजे दूध की मलाई निकाल लीजिए और उससे बटर बना लीजिए, बहुत ही आप उसको फैट करके तुरंत ताज़ा बटर बनाकर बच्चों को दीजिए मक्खन, उसको देने से बच्चे का वज़न ज़रूर बढ़ेगा। आपने बेबी को दीजिए, बच्चे बहुत मक्खन को पसंद करते हैं, उनको अच्छा लगता है, जब आप देना शुरू करेंगे तो बच्चों को अच्छा लगने लगेगा। 7 मंथ प्लस बेबी की डाइट में आप मक्खन देना शुरू कर सकते हैं, आप उसको खाने के साथ हल्का सा थोड़ा थोड़ा सा, जैसे खिचड़ी खिला रहे हैं तो साइड में रख लिया, हल्का हल्का सा आप उसको चटाते रहिए। बच्चों को आप दही दीजिए, दही देने से बच्चों को
उनका वेट गेन होता है। दही को हम डिफरेंट फॉर्म में दे सकते हैं, जैसे हम बेबी को कुकुम्बर रायता बना के दे सकते हैं। कुकुम्बर में वाटर अच्छी क्वांटिटी में होता है, जब हम कुकुम्बर रायता बेबी को बना के देंगे तो उससे बच्चे का वेट गेन भी होगा, दही से भी बच्चे का वेट गेन होता है। दही में प्रोटीन होता है, तो प्रोटीन तो वेट गेन के लिए बहुत ही अच्छा होता है, इसलिए हम बच्चे की डाइट में दही शामिल करें। हम बेबी को मैंगो शेक बना के दे सकते हैं। मैंगो को हम मैंगो के पीसेस ले लें, उसको मिक्सी के ग्राइंडर में ग्राइंड करके उसमें फार्मूला मिल्क ऐड करके थोड़े से ड्राई फ्रूट्स ऐड करके मैंगो शेक अगर हम अपने बेबी को देंगे तो डेफिनेटली उसका वेट गेन होगा। और मैंगो में विटामिन सी होता है, सीजनल फ्रूट होता है, तो आप समर्स में अपने बेबी को ज़रूर मैंगो शेक दीजिए। विंटर्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो हम चुकंदर की प्यूरी, बीटरूट की प्यूरी बनाकर हम बेबी को दे सकते हैं, गाजर की प्यूरी हम बनाकर बेबी को दे सकते हैं। पम्पकिन भी वेट गेन के लिए अच्छा होता है, तो हम मिक्स्ड प्यूरी बनाकर जैसे पम्पकिन ले लिया, पोटैटो ले लिया, सारे जो वेजिटेबल्स हैं जिनमें कोलेस्ट्रॉल है, फैट वाले वो चीज़ें ले ली और उसकी मिक्स्ड प्यूरी बनाकर हम अपने बेबी को दें, उससे बच्चे का वेट गेन भी जरूर होगा और बच्चा हेल्दी भी रहेगा। हमें वेट गेन के साथ ये चीज़ जरूर ध्यान रखें कि हम बच्चे को जो भी चीज़ दे रहे हैं वो हेल्दी हो। अगर आपका बेबी 8 मंथ कंप्लीट कर चुका है तो आप उसको एग दे सकते हैं। एग का हमको 1 साल से छोटे बच्चों को सिर्फ येलो पोर्शन देना है, वाइट पोर्शन नहीं देना है। तो हम एक को मिल्क के साथ में ऐड करके उसको बच्चों को बिल्कुल दवा की तरह या तो वैसे पिला सकते हैं या स्क्रम्बल्ड एग हम बना के दे सकते हैं बेबी को। इस तरह से हम अपने बच्चे को एक दे सकते हैं, या एक बॉयल करके उसका येलो पोर्शन निकाल के अगर बच्चा वो खा ले रहा है स्पून से तो अच्छी बात है। अगर बच्चा वो येलो पोर्शन नहीं खा रहा है तो हम उस येलो पोर्शन को बिल्कुल फॉर्मूला मिल्क के साथ अच्छे से मिक्स कर बेबी को हम दे सकते हैं। काउ मिल्क तो हम 1 साल के बाद हमें देना है, तो उसका मैं आपको नहीं बताऊंगी। मैं बार बार इस बात पे जोर दे रही हूँ कि 1 साल से पहले हमें काउ मिल्क नहीं देना। तो मैंने ये जितनी भी चीज़ें आपको बताई हैं, ये सारी चीज़ें अगर हम बेबी को देंगे तो उसका वेट ज़रूर बढ़ेगा। हम बेबी को 8 मंथ प्लस बेबी के लिए हम ड्राई फ्रूट पाउडर बना के रख लें घर में। सारे ड्राई फ्रूट को ड्राई रोस्ट करके उसका पाउडर बना लें जो कि 20 से 25 दिन तक चलता है। ड्राई फ्रूट्स में फाइबर होता है, सारे विटामिन मिनरल्स प्रोटीन सारी चीज़ें होती है, और ये बच्चों की बोन्स को स्ट्रांग बनाता है, उनकी इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाता है। इसके साथ साथ बच्चे के वेट गेन के लिए भी ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो हम बच्चों को जो भी सूजी की खीर बना रहे हैं, रागी की खीर बना रहे हैं, वो जब बन जाए उसके साथ उसके बाद उसमें 1 चम्मच ड्राई फ्रूट्स पाउडर ऐड करके अगर हम बेबी को डेली रेगुलर बेस पे देंगे 8 मंथ प्लस बेबी को, तो आप देखेंगे कि आपके बच्चे का वजन ज़रूर बढ़ा है। और ये चीज़ आप अप्लाई 2 से 3 साल का भी मतलब लाइफ टाइम अपने बेबी को आप ये चीज़ दे सकते हैं, बच्चे के लिए बहुत ही हेल्दी है। तो हमें क्या ध्यान रखना है, बच्चों को वो चीज़ें देनी है, हम जैसे मिल्क तो नहीं दे सकते, पर मिल्क से बने हुए प्रोडक्ट जैसे हो गया पनीर हो गया, मक्खन हो गया, घी हो गया, दही हो गया, ये सारी चीज़ें हमें देनी है बच्चों को, इससे बच्चे का वेट गेन होगा। ड्राई फ्रूट्स पाउडर देने, इससे भी बच्चे का वेट गेन होगा। हमें बच्चे को खिचड़ी मैंने बताया था वो आप दीजिए। बस यही कुछ चीज़ें हैं हमें बच्चों को देनी है। बाकी ग्रीन वेजिटेबल्स हो गया, सब्जी हो गई, हरी सब्जियाँ हो गई, ये तो आप अपने बच्चों को भरपूर मात्रा में दीजिए। उनकी खिचड़ी बना रहे हैं, आप अपना फ्रिज खोलिए, आपको जो भी हरी सब्जी फ्रिक्वेंटली दिख रही है, टमाटर दिखा, कद्दू दिखा, बीन्स दिखी, मटर दिखी, गाजर दिखी, सबको लिया थोड़ा थोड़ा सा पीस कट किया और बच्चे की खिचड़ी में, दलिया में, ओट्स में हम ऐड कर दें, इससे बच्चे का हेल्दी भी रहेगा, इम्यूनिटी भी स्ट्रांग होगी और वेट भी गेन होगा। तो आपको उसकी तो ओवरऑल मिला के हेल्दी डाइट रखनी है। जो भी मैंने चीज़ें आपको बताई है आप ज़रूर फॉलो करिए। मैंने अपने बेबी के साथ किया था, मेरा ये मोटो नहीं था कि मैं अपने बच्चों को मोटा कर दूं, मेरा ये एम था कि मेरा बेबी हेल्दी होना चाहिए, फिट होना चाहिए, मुझे डॉक्टर्स के चक्कर ना काटने पड़े। तो टच वुड मेरा बेबी थ्रू आउट 1 ईयर तक वो पूरा हेल्दी रहा, मुझे कभी कोई चीज़ की दिक्कत नहीं हुई और वो हेल्दी है, टमी मतलब चबी चबी सा बेबी। आप उसकी पिक्चर्स में आपको उसमें वीडियोज़ में दिखाऊँगी, आप देख सकते हैं। तो आप हेल्दी डाइट अगर फॉलो करेंगे तो आपके बच्चे का वज़न ज़रूर बढ़ेगा। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। बाय बाय मम्मीज़।